अभी आप देख रहे हैं नई किरण न्यूज चैनल। अभी हम सीतामढ़ी जिला के लोहासी पंचायत में जमामी मठ के पास आए हैं। ये मठ बहुत ही विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना मठ है। तो इस मठ के बारे में आइए आप लोगों को हम विस्तार से जानकारी देते हैं। ये जो इंडा है यहाँ से लोग भक्त लोग जल उठाते हैं और अंदर बाबा का जो शिवलिंग है वहाँ पे समर्पित करते हैं। आइए आपको हम अंदर ले चलते हैं और अंदर की और भी आपको जब मंदिर बना उसके शायद कुछ ही दिनों कुछ वर्षों के बाद घंटे को यहाँ पे लगाया गया होगा। आपको बता दें यहाँ के जो सबसे पुराने पुजारी थे राज किशोर जी, उनका निधन लगभग 10 वर्ष पहले हो गया और उसके बाद अभी यहाँ वर्तमान के जो पुजारी है नगेंद्र मिश्र जी, तो उनके बाद इस मठ का कार्यकार संभाले हुए हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि अंदर इस मठ का जो मंदिर है और ये देखने में कितना भव्य दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शिवलिंग है ये देखने में ही एक चमक, आप दिखाइएगा ये जो आप शिवलिंग है ये बहुत ही पुराना शिवलिंग है। कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी अगर सच्चे दिल से मन्नत मांगी जाए तो वो अवश्य पूरी होती है। और ये मन जो देख रहे हैं ये लगभग ये 100 वर्षों से भी ये पुराना मंदिर है। और चलिए आपको हम इसकी बाहरी बातों को भी आपको बताते हैं। ये कहा जाता है यहाँ पे हमेशा आराधना होती रहती है क्योंकि यहाँ पे भक्तजन अपनी श्रद्धा आस्था से आते हैं और जो भी सच्चे दिल से मानते हैं वो उनकी मांग करते हैं। माता पार्वती का मंदिर है, और आइए साथ में आपको यहाँ पे जो भगवान जी का मंदिर है उनका दर्शन आपको हम लोग कराते हैं। और आपको बता दें कि संकट मोचन क्या है, संकट मोचन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप किसी भी दुख या संकट में इनको याद करेंगे तो वो संकट दूर चला जाता है। और ये है भगवान जी का स्थान। ये मंदिर बहुत ही विख्यात है और बहुत ही खूबसूरत भी है। यहाँ पे सच्चे दिल से अगर कोई भक्त मन्नत मांगते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती है। आप देख सकते हैं देखने से लगता है कि बहुत ही पुराना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 100 वर्षों से भी पुराना मंदिर है। और आइए हमारे साथ कुछ यहाँ पे के लोग जो है जो यहाँ के मूल नागरिक है उनके से हम इस मंदिर के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ एक यहाँ के ग्रामीण है, इनसे हम इस मंदिर के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जीवन सुखिया। आप यहाँ के निवासी हैं? इस मठ के बारे में हमने बहुत सुना है, ये मठ कितना प्रसिद्ध है? ये तो पूरा भारत में प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। जय वैशाला, हर हर महादेव, बम्बा महादेव, देवामी धाम। यहाँ पे कब कब मेला लगता है? यहाँ पे तो 365 दिन प्रतिदिन यहाँ पर जल चढ़ता है और विशेष पूजा के दिन विशेष पूजा होता है। तो यहाँ पे विशेष, जैसे आपने बोला विशेष पूजा के दिन विशेष पूजा होता है, विशेष पूजा किन किन दिनों को यहाँ पे किया जाता है? रविवार का जैसे सोमवार है, बसंत पंचमी है, कारसी है, रविवार का और हर रविवार को मेला लगता है यहाँ पे। तो इन्होंने जैसे कहा कि सोमवारी हो गया हर संडे को। और आपको चलिए आगे हम लेकर चलते हैं जो माल और है कि आपको बता दें, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ के जो सबसे पुराने पुजारी थे राज किशोर भगत जी, ये 10 साल पहले उनका मृत्यु हो गया था। तो उनकी मृत्यु के बाद उनको उनका यहाँ पे स्थल बनाया गया है उनका निधन के बाद। और आपको ऊपर एक तस्वीर दिख रहा होगा, वो जूम करके दिखाइएगा जरा। ये उनका बहुत ही पुराना फोटो है और इनका निधन 10 वर्ष पहले हो गया। और उसके बाद जो अभी यहाँ पे यहाँ के वर्तमान जो पुजारी है नगेंद्र मिश्र जी, वो अभी उनके निधन के बाद यहाँ का सारे कार्यकार संभाल रहे हैं। ये भी एक मंदिर है, यहाँ पे
बजरंग बली के नाम से जल चढ़ाया जाता है और आपको हम बाहर दिखाते हैं कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग बाबा का दर्शन करने आते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और यहाँ का तालाब है, यहीं से ही जल उठा कर भी बाबा को अर्पित किया जाता है। और आपको बता दें कि अगर आपके मन में इनके प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा है तो आप भी यहाँ आकर बाबा का दर्शन कर सकते हैं और अपने मन की बात उनसे बोल सकते हैं। और आप साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे ये झूले का प्रबंध किया गया है और अभी दोपहर का समय है इसलिए धूप ज़्यादा है और अभी यहाँ पे कम भक्तगण है और सुबह में ही बहुत भक्तगण आकर चले गए हैं तो इसलिए अभी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज चैनल, कैमरामैन गौतम के साथ मैं नितेश राज चौहान। और ऐसे नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।